जय श्री राम। प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शब्द मंथन पर स्वागत है। प्रेमी भक्तों, आज हम बात करेंगे मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमारा परम लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन तो हमें मिला हुआ है और ये भगवान ने हम पे परम कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है। बिना ही कारण भगवान ने हम पर कृपा कर दी और हमें मनुष्य जीवन मिल गया। लेकिन प्यारे भक्तों, ये जीवन मिलने के बाद हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या हम उस लक्ष्य को जानते हैं? प्रेमी भक्तों, सभी जानते हैं ये कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। वह अपने को श्रेष्ठ समझता भी है और अगर आप विचार करके देखोगे तो ये बात पूरी तरह सिद्ध हो जाती है कि भगवान ने उसकी रचना में विशेषता रखी भी है। परंतु प्यारे भक्तों, वास्तव में मनुष्य श्रेष्ठ तभी होगा जबकि वह अपने प्रधान लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य पालन करता है। अब आप कहोगे कि कर्तव्य पालन कौन सा करना है? प्यारे भक्तों, आज के संसार में हम देखते हैं तो मालूम होता है कि लक्ष्य को जानकर कर्तव्य पालन करना तो दूर, लक्ष्य और कर्तव्य क्या है इस बात को भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते और ना ही जानना चाहते हैं। तो प्यारे भक्तों, हमें हमारा लक्ष्य जानने के लिए क्या करना है? प्रेमी भक्तों, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों के वाक्य अगर ना समझ में आए तो किन्हीं भगवत प्राप्त पुरुष से, वैसे पुरुष भी ना मिले तो धर्म को जानकर धर्म का आचरण करने वाले किसी पुरुष के द्वारा, और वह भी ना मिले तो अपनी समझ से जो धर्म का जानने वाला पड़े उसी से पूछकर कर्तव्य को जान लें, या फिर आजकल सोशल मीडिया के द्वारा कुछ भी ना हो तो कम से कम अपने अंतर आत्मा से तो पूछते ही रहना चाहिए। प्यारे भक्तों, बुद्धि दी है भगवान ने हमें। अगर एक आदमी हमसे ये कहता है कि भगवान का नाम लेना गलत है और दूसरा ये कहता है कि सही है, तो हमें अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए और अंतर आत्मा से पूछना चाहिए। जब तुम अंतर आत्मा से पूछोगे तो तुम्हारी अंतर आत्मा से यही आवाज़ आएगी कि भगवान का नाम लेना ही उत्तम है, भगवान को याद करना ही उत्तम है और यही सही है, क्योंकि सच सभी को प्रिय है। तो प्रेमी भक्तों, आप अपनी अंतरात्मा से खुद अपने प्रश्नों का उत्तर पूछा करो, अगर कोई आपको समझ में बात नहीं आती तब। तो प्रेमी भक्तों, गीता में भगवान ने अध्याय 6 के श्लोक नंबर 5 में कहा है कि मनुष्य को चाहिए वह अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो प्रेमी भक्तों, हमारा लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र परम सुख और शाश्वती शांति के केंद्र हैं। वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं और सबसे बढ़कर प्राप्त करने योग्य परम वस्तु हैं। उनकी प्राप्ति में ही जीवन की पूर्ण और यथार्थ सफलता है और इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करना ही मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन करना है। इस कर्तव्य पालन में चाहे फिर हमें कुछ भी त्याग करना पड़े वही कम है, बस त्याग की तैयारी होनी चाहिए। फिर शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा मिल सकते हैं और उनका मिलना भी सहज ही है, और यह भी विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति के हम अधिकारी हैं, तभी तो मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, नहीं तो दूसरी योनियों की कोई कमी थोड़ी थी। वो हमें पशु बना सकते थे, पक्षी बना सकते थे और कुछ भी बना सकते थे, फिर उन्होंने हमें मनुष्य क्यों बनाया? इसी से सिद्ध होता है कि हम भगवान प्राप्ति के अधिकारी हैं और थे और रहेंगे। भगवान ने हमें मुक्ति का पासपोर्ट दे दिया है। अब जो कुछ कमी है वह केवल हमारी ही ओर से है,
उन्होंने तो मनुष्य शरीर देकर हमें मुक्ति का अधिकारी बना दिया। हम यदि अब इसे भोग विलासों में, प्रमाद पाप आदि में व्यर्थ कर दें तो हमारी ही बड़ी मूर्खता है। ऐसे अब हमें व्यर्थ नहीं गवाना है, हमें क्या करना है, अपने लक्ष्य को समझकर भगवान को प्राप्त करने के लिए कदम आगे बढ़ाना प्रेमी भक्तजनों। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसको भी सब्सक्राइब करें, वहाँ भी हम वीडियो डालते रहते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को देखिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।